इसमें हम फैक्टर सीखेंगे, जिसमें टाइप नंबर फर्स्ट है, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं, नहीं प्रश्नों को सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ सामान्य प्रश्नों को ले लेते हैं। इस टाइप में हमें मिलेगा क्या, जैसे मान लीजिए एक ए बी हो जाए, दूसरा बी सी। अब इन दोनों में हमें कामन लेना है फैक्टर में, तो दोनों में बी कामन है, बी कामन हो जाएगा तो बचेगा ए प्लस सी, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। मान लीजिए हमने एक और प्रश्न ले लिया, ए बी स्क्वायर प्लस हो गया ए बी सी। एक और ले लिए, मान लीजिए बी सी स्क्वायर बन गया। अब हम मिलाएंगे, ये इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको कामन नहीं लेंगे। बी हमारा इसमें भी है, दो घात है, इसमें एक बी मिल जाएगा, एक इसमें भी मिल जाएगा, तो हम बी निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, एक ए बच जाएगा और बी का भाग दे देंगे तो एक बी बचेगा, प्लस बी हमने निकाल लिया है तो बचा हमारा ए सी, फिर प्लस बी हमने निकाल लिया है तो बच गया हमारा सी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम आएंगे इन प्रश्नों को देखेंगे, तो इसके लिए हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला दिया है प्रश्न हमारा ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए देखेंगे, ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो कामन नहीं होगा। फिर आएंगे तो बी इसमें है, बी इसमें है, लेकिन बी इसमें नहीं है, तो ये भी कामन नहीं होगा। सी पहले में है, दूसरे में है, और तीसरे तीनों में है, तो तीनों में से हम सी को निकाल लेंगे, तो बाकी जो बचेगा उसी को लिखेंगे। सी यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा हमारा ए बी, फिर यहाँ से सी कैंसिल हो गया तो बचा हमारा प्लस बी डी। फिर आगे आएंगे, सी हमने निकाल लिया है, बचा है हमारा डी, और यही हमारा आंसर बन जाएगा पहला क्वेश्चन। फिर हम आएंगे दूसरा, पाँच एक्स स्क्वायर प्लस चार, पाँच एक्स क्यूब प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स है, तो सब में हमारी संख्या जो एक्स है कामन हो जाएगी। तो कामन लेने के बाद एक एक घात सबका कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाँच। एक्स की तीन घात थी, एक घात निकाल लिए हैं, तो एक्स की दो घात बचेगी। फिर आगे है प्लस चार एक्स स्क्वायर है, दो घात है, एक घात निकाले हैं, तो चार एक्स बच जाएगा। एक्स हमने पूरा निकाल लिया, बचा हमारा सात, ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगले में है हम पहले बाहर देखेंगे, दो और दो से ये भी कट जाएगा, दो दूनी चार, तो अगर बाहर वाली संख्या एक ही नंबर से कटता है तो कामन हो जाएगा, तो दो हम कामन ले लेंगे। एक्स की दो घात है, एक घात है, तो यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, एक घात दोनों में मिल जाएगी, तो एक्स भी कामन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे ब्रैकेट बी प्लस सी, बी प्लस सी पूरा कामन है, तो ब्रैकेट बी प्लस सी को भी कामन ले लिया जाएगा। अब क्या बचा है उसको हमें लिखना है, यानी दो निकाल लिए हैं, एक एक्स बच गया है, तो आगे हमें एक्स मिला, बी प्लस सी हमने निकाल लिया है, दो का भाग देंगे चार में तो दो दूनी चार, दो आ जाएगा। एक्स हमने निकाल लिया और बी प्लस सी निकाल लिया, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या चार, दिया है तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स वाई है, तो तीन से ये भी कटेगा, तो तीन कामन हो जाएगा। दो घात है, एक घात इसमें दोनों में मिल जाएगी, तो एक्स कामन होगा। तो तीन हमने निकाल लिया, एक एक्स निकाल लिया, एक्स की एक घात यानी एक्स बचा, तीन का भाग दे देंगे, तीन दूनी छः, दो आ जाएगा, एक्स हमने निकाल लिया है, वाई बच जाएगा, और ये हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। फाइव में आएंगे, सात एम एन माइनस इक्कीस एम स्क्वायर यानी स्क्वायर है, तो सात सात्री के कई सात दोनों में है, तो कामन ले लेंगे। एम और एम, क्योंकि एम स्क्वायर में एक एम मिल जाएगा तो एम भी निकाल लेंगे, एन और एन मिल जाएगा तो एक एन को निकाल लेंगे। सात एम एन पूरा हमने निकाल लिया है, तो सात एम एन का सात एम एन में भाग देंगे तो एक आ जाएगा, अर्थात पूरी संख्या निकल जाती है तो वहाँ एक बच जाएगा। फिर सात से भाग दे देंगे, सात त्री के कई तीन आएगा, एम एक निकाले हैं, एन निकाले हैं, एक एम एन बच जाएगा, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो यहाँ आ जाएंगे, सिक्स में इक्कीस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इक्कीस इक्कीस या तिरसठ यानी इक्कीस अर्थात 21 कामन हो जाएगा। एक्स की दो घात एक घात, तो एक घात दोनों में मिल जाएगा, वाई की दो घात एक घात, वाई भी एक कामन हो जाएगा। इक्कीस हमने पूरा निकाल लिया, और
दो दो घात थी, एक एक घात निकालनी है तो एक एक घात बच जाएगी एक्स वाई की। फिर आगे आएंगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 21 का भाग 63 में देंगे तो 21 थी यहाँ 63 हो जाएगा, एक्स वाई हमने पूरा निकाल लिया है तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन गया 21 एक्स वाई प्लस 3। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ए स्क्वायर बी है, यानी ए और ए बाहर दोनों में ए कामन हो जाएगा तो ए कामन ले लेंगे। आगे है हमारा यहाँ बी और यहाँ बी नहीं है तो बी कामन नहीं होगा। 1 माइनस एक्स दोनों में है तो 1 माइनस एक्स कामन हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 माइनस एक्स हमने निकाल लिया है, ए की दो घात थी एक निकाले हैं, एक बचा है तो एक ए लिख देंगे। बी बचा हुआ है क्योंकि बी हमने कामन नहीं लिया है। फिर आगे आएंगे इसको ए 1 माइनस एक्स हमने पूरा निकाल लिया है और जब पूरा निकल जाता है तो वहाँ 1 बचता है तो हमारा आंसर बन जाएगा ए 1 माइनस एक्स ए बी माइनस 1 और यही आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को और शेयर कीजिए जिससे और वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।